हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर केतु हमारी हॉरोस्कोप में ख़राब स्थिति में बैठा है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर केतु खराब स्थिति में बैठा है और कुंडली में दशा नहीं आई है तो कुछ भी खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब समय आता है, जब दशा खराब होती है, तभी ऐसा होता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। जब कुंडली अगर देखी है पूरी और अगर खराब स्थिति है उसमें और अगर दशा ही नहीं आई है, अगर समय नहीं आएगी तो वो फल कैसे देगा। जब खराब प्लैनेट की दशा आएगी तभी अपना फल देगा। तो पहले से ही लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खराब फल ही आपको मिले। अगर हॉरोस्कोप में केतु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और दशा आने वाली है तो सतर्क होने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अचानक से ऐसी स्थिति आती है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा और हो भी जाता है। तो प्लैनेट का असर तो होता है दोस्तों, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये कोई हमने नहीं बनाया, ये तो ऋषियों मुनियों का बनाया हुआ शास्त्र है और ये हमें जो है वो आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे सतर्क कराता है। कहते हैं कि भविष्य बदला जा सकता है, भविष्य कोई ज्योतिषी नहीं बदल सकता, आपका कोई एस्ट्रोलॉजर भविष्य नहीं बदल सकता। आप खुद अपना भविष्य कैसे बदल सकते हैं ये आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए, अगर प्लैनेट की स्थिति ख़राब आ रही है तो हमारे कार्मिक अकाउंट में कुछ गड़बड़ चीज़ें हैं, जो कि केतु का रोल जो है वो यही है कि हमें वो पनिशमेंट देने की स्थिति में आता है और हम घबरा जाते हैं कि ये हमारे साथ ख़राब करता है तो हमने भी तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। तभी हमें हमारे जो सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो तो हमें फेस करनी है। लेकिन हॉरोस्कोप में क्या होता है कि अगर आप पूरी तरह से ईश्वर की शरण में हैं और आपने आपके सारे काम बहुत आप अच्छे से करते हैं, उसके बाद हॉरोस्कोप का जो कंसल्टेशन होता है वो सिर्फ सतर्क करने के लिए होता है कि आपके साथ ये दशाएं आने वाली हैं तो आप सतर्क हो जाइए। और सतर्क होने का मतलब है कि आप ये प्लैनेट से रिलेटेड ये रेमेडीज़ करिए तो आपके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बड़ी मुसीबत आने वाली है वो कहीं ना कहीं छोटी में बदल करके चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही अगर बड़ा ख़राब समय आने वाला है तो हम उसको कैसे हम टाल सकते हैं बड़ी शांति से, बड़े सुकून से। उसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि वो ये बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा बुरा समय आएगा, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लैनेट अपना रोल दिखाते हैं तो आपको वास्तव में सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके उपाय आप कीजिए, उससे रिलेटेड रेमेडी आप करिए। तो केतु से रिलेटेड आपको एक बहुत ही छोटा उपाय बता रही हूँ, आपको कुछ बड़ा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में केतु खराब स्थिति में बैठा है और उसकी दशा भी आने वाली है तो आप कुत्ते को खाना देना शुरू कर दीजिए। कुत्ते को खाने देने का मतलब ये नहीं कि आप घर में कुत्ता पाल लीजिए आप उसको खाना दे रहे हैं। घर में पला हुआ कुत्ता अगर आपने पाला है, आप उसको फीड कर रहे हैं, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये कोई आप इतना बड़ा पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको बांध के रखा है तो भूखा तो रखेंगे नहीं है, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आपने ज़बरदस्ती से उसको बांध के रखा है या आपने पाला हुआ है तो आपको देना ही देना। लेकिन जो बेचारे भूखे हैं बाहर, जो कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, अगर आप उनको फीड करते हैं तो आपका केतु अच्छा होगा। किसी कुत्ते को पाल करके आप फीड करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप जो स्ट्रीट डॉग होते हैं अगर आप उनको रेगुलर नहीं दे सकते तो आप मंगलवार और शनिवार को अगर आप उनको फीड करते हैं तो आपकी हॉरोस्कोप में जो केतु है वो बुरे प्रभाव ख़त्म करके अच्छे प्रभाव में बदल करके आपको शुभ फल देने लगेगा। तो आप अगर ये उपाय करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर केतु की दशा आ रही है तो वैसे तो फीड कराना, अगर किसी भूखे को खाना खिलाना तो बहुत ही वैसे भी पुण्य का काम है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो हमारे जो ये सोच के मत करिए कि हमको इसके बदले में अच्छा फल मिलेगा या हमें चाहिए, ये सोच के आप कभी भी किसी की मदद मत कीजिए। आप बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फल लेकर के आती है। कोई भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो केतु के लिए दोस्तों ये उपाय है कि आप अगर मंगलवार और शनिवार आप अगर रोज़ नहीं कर सकते तो आप फीड कराइए आप स्ट्रीट डॉग्स को, तो आप देखेंगे केतु बहुत ही ज़्यादा जो है शुभ फल देने वाला हो जाएगा आपके आपके जो खराब जो कार्मिक अकाउंट है उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो आने लगेगा। कहते हैं कि अगर बुरा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे साथ कभी बुरा आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कुछ जो बीज डाला होगा उसी का ही कहीं ना कहीं पेड़ या उसका फल है।
हमारे सामने आ रहा है, और वो तुरंत तो आता नहीं है। जब हम बीज बो देते हैं तो उसका बीज जब बोते हैं तो समझ लीजिए कि वृक्ष तो बनेगा बनेगा, वो कितना बड़ा कितने समय में होता है ये तो हमें खुद भी नहीं पता। कुछ 2 साल 3 साल में भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, फलने फूलने लगते हैं, कुछ 5 साल 10 साल में भी। तो आप ये मत सोचिए कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, क्या पता वो 10 साल पहले किया हो, 20 साल पहले किया हो, या पिछले जन्म में किया हो, कभी भी किया हो, वो तो सामने आएगा आएगा। तो आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है, और आप को धैर्य से काम करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या आप घबरा जाएं कि हमारी ये दशा आने वाली है, आपको बता दिया गया है। तो आपको ये रेमेडी करिए, आप केतु से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया आपको इसके रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।